अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल का हालिया हंगामी इजलास, बरवक्त कार्रवाई और मुस्बत फैसले हमेशा मुस्बत नतायज सामने लाते हैं। इसी तरह अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल का हालिया हंगामी चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब डॉक्टर जाहिद अब्बास चौधरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान और अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुज़श्ते सोमवार बिस्मिल्लाह फैमिली पार्क एंड रेस्टोरेंट में मुनक़िद होने वाले इजलास की अहमियत इस लिहाज से भी ज्यादा है कि अवामी प्रेस क्लब की मैनेजमेंट और नुमाइंदगान दरपेश हर वाक़े और मसले का हल तलाश करते हैं, हक लिखते हैं, हक का साथ देते हैं और मुत्तहिद होकर दिलेर क़यादत के हमरा अपने सहाफ़ती अमूर को सरंजाम देने का फरीज़ा अदा करते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र इस हंगामी इजलास में चकवाल शहर के अंदर जिमखाना के क़याम के खिलाफ पहली करारदाद जनरल सेक्रेटरी अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल आसिफ अली नायक ने पेश की, जिसे इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। इजलास की बाज़ाब्ता कार्रवाई के दौरान चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब डॉक्टर जाहिद चौधरी ने अपनी तरफ से एक करारदाद पेश की कि किसी भी वर्किंग सहाफ़ी के खिलाफ खबर नहीं लगाई जाएगी और अवामी प्रेस क्लब के किसी रुकन के खिलाफ अगर कोई दिगर सहाफी खबर लगाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ कलमी जवाब भी भरपूर तरीके से दिया जाएगा। किसी भी सहाफी के साथ ज्यादती होने की सूरत में उसका साथ दिया जाएगा। तमाम मेंबरान ने इस करारदाद को भी इत्तफाक राय से मंजूर किया।